बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे थे, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ थे और हमने लगातार अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में संकुल यौगिक एवं कार्बोधात्विकी जो हमने अध्याय चालू किया है, इसके अंतर्गत बच्चों मैंने आपको IUPAC नामकरण के संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम बताए थे आपको, ठीक है। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आपके साथ आज भी हूँ और पुनः उन एग्जाम्पल्स के आधार पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कार्बोधात्विकी जो यौगिक हैं, जो संकुल यौगिक हैं, इनका किस तरह से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों चलिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है, ब्रैकेट FeCN, बेस पावर उसकी 6 है, बड़ा ब्रैकेट लगाया है और उसके ऊपर -4 चार्ज है। जबकि मैंने दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है बच्चों, वो मैंने लिया है, ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है प्लेटिनम, छोटे ब्रैकेट में NH3 अमोनिया, ठीक है, जो कि एमीन होगा एज ए लिगेंड और उसकी बेस पावर 4 है और ब्रैकेट को बंद करके मैंने ऊपर प्लस चार्ज लिया हुआ है। तो इस तरह से ये दो जो मैंने आपके सामने आज एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में अलग अलग रूल्स फॉलो होंगे, कुछ कॉमन्स होंगे। आपको वही समझना है कि कल बताए गए रूल्स में से आज उन रूल्स में कितनी विविधता आ रही है, ठीक है, फिर इस तरह से आप समझ जाएंगे इनको। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले एग्जाम्पल में जो संकुल यौगिक है वो उदासीन नहीं है, है ना, उस पर ऋणात्मक आवेश मौजूद है। जबकि दूसरा वाला जो है वो भी उदासीन नहीं है लेकिन उस पर धनात्मक आवेश मौजूद है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऋणात्मक आवेश है और दूसरे पर धनात्मक आवेश है। तो बच्चों जिस कॉम्प्लेक्स में या जिस संकुल आयन में ऋणात्मक आवेश है ना आयन मंडल के ऊपर, देख रहे हो आप यहां पर, तो ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में हो ना हो स्वतंत्र धातु पहले जुड़ी थी। मतलब जब मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो मेरे दाएं तरफ, सॉरी बाएं हाथ की तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जुड़ रही थी, ठीक है। जबकि जिस कंपाउंड में आयन मंडल के ऊपर आपको धनात्मक आवेश देखने को मिल रहा है, उस कॉम्प्लेक्स में, उस संकुल यौगिक में जब आप बोर्ड को देख रहे हो या मैं बोर्ड को देख रहा हूं, तो मेरे दाएं हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में सॉरी जो स्वतंत्र धातु होगी वो जुड़ी होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पहचान के रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयन मंडल के ऊपर अगर ऋणात्मक आवेश है तो स्वतंत्र धातु पहले जुड़ती है, लेकिन अगर आयन मंडल के ऊपर धनात्मक आवेश है तो स्वतंत्र धातु पीछे जुड़ती है। इस तरह से उनके नियम चलेंगे। तो पहला नियम मैंने जो आपको संकुल यौगिकों के लिए बताया था बच्चों, वो ये था कि हम सबसे पहले स्वतंत्र धातु का नाम लिखते हैं, बस शर्त है कि वो धनात्मक हो, है ना, स्वतंत्र धातु का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे। अब इन दोनों ही केस में स्वतंत्र धातु उपस्थित नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब हम जो दूसरा नियम होगा उसके बाद जाएंगे। दूसरा नियम कहता था कि स्वतंत्र धातु के नाम के बाद हम समन्वय संख्या का नाम लिखते थे। तो मेरे पहले एग्जाम्पल में जो समन्वय संख्या है बच्चों, आप देख सकते हो वो समन्वय संख्या कितनी है, 6 है ना, 6 है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समन्वय संख्या के लिए बहुत छोटा सा एक पैटर्न बताया था बच्चों, याद करिए, मैं यहां साइड में लिख देता हूं आप समझ जाएंगे। मैंने बताया था हम 1 को मोनो, ठीक है बच्चों, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा। हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जो 6 है इसको हम बोलेंगे हेप्टा, ठीक है, 6 को हम बोलेंगे हेप्टा। और इस तरह से इसका प्रयोग मैं सबसे पहले करूंगा तो मेरा जो नेमिंग स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा हेक्सा से। बच्चों ये रूल नंबर 2 था, है ना, क्योंकि यहां पे प्रारंभ जो रूल था, पहला रूल वो अप्लाई नहीं हुआ तो सीधा सीधा दूसरा नंबर का रूल अप्लाई किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों समन्वय संख्या के बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो बच्चों यहां पे जो लिगेंड है वो CN है, और मैंने आपको पहले भी बोल रखा हुआ अपने प्रीवियस वीडियो में
कि लिगेंड की अच्छी खासी लिस्ट है आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो लिस्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बच्चों जब आप अपनी लिस्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे आपको कई अलग अलग तरह के लिगेंड देखने को मिलेंगे। उस लिस्ट में आपको सी एन नेगेटिव देखने को मिलेगा, और ये जो सी एन नेगेटिव है आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसको हम साइनों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो फाइनली हम यहां पर इस सी एन नेगेटिव के लिए लिख देंगे साइनो, हमने लिख दिया साइनो। बच्चों ये हमारा रूल नंबर टू है, रूल नंबर थ्री है सॉरी। नेक्स्ट जब हम लिगेंड का नाम भी लिख चुके होते हैं तो बच्चों हम पहुंच जाते हैं सीएमआई के पास, और सीएमआई के रूल्स के मैंने आपको दो नियम बताए थे, उसके दो नियमों में रूल 4A ठीक है, और उसके बाद रूल 4B, दो रूल बताए थे। रूल 4A कहता था कि जब आपका कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक में स्वतंत्र धातु पहले जुड़ी हो तो हम आयन मंडल के ऊपर ऋणात्मक आवेश मानकर चलेंगे, और ऐसी दशा में हमारा जो सीएमआई होगा, जो केंद्रीय धातु आयन होगा, हम उसका काल्पनिक नाम लिखेंगे, अर्थात उसके नाम में हम उसकी संक्रमण तत्व के आधार पर उच्चतम और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का चयन करेंगे। अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था जो वो प्रदर्शित करेगा, जिसमें वो फेरस कंपाउंड होगा या कोई रस नाम का कंपाउंड बनाएगा, दूसरा उच्चतम अवस्था में वो अपनी रिक नाम का कंपाउंड बनाएगा, जैसे आयरन की केस में फेरस और फेरिक हमको दो मिले थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कल कि जो आयरन है वो हमको दो तरह के केस देता है। जो आयरन है Fe, जब वो प्लस टू होता तो वो फेरस होता है, और इसी तरह से जब Fe प्लस थ्री होता है तब वो फेरिक होता है। तो बच्चों इस तरह हमको ये पता चलता था कि वो कब फेरस और कब फेरिक। तो मैंने बताया था एक में से आप एक को माइनस कर देंगे और उसमें आप क्या जोड़ देंगे, उसमें आप एट जोड़ देंगे। एक को माइनस करके आप उसमें एट जोड़ दीजिए, इस तरह से फेरिक से एक माइनस किया तो वो बन जाएगा एट जोड़ने के बाद फेरेट। तो जो फेरेट बनेगा वो हमारे सीएमआई का नाम होगा रूल 4A के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों फेरेट। फाइनली ये आ जाएगा रूल 4A से, ठीक है, ये रूल 4A हो जाएगा हमारा। इसके उपरांत लास्ट में बच्चों मैंने आपको बताया था हम लिखते हैं ऑक्सीकरण अंक, रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5 ऑक्सीकरण अंक। मैंने आपको बताया था पूरे कॉम्प्लेक्स को आप चेक करिए, एक आयरन है, एक आयरन प्लस चार CN है बच्चों, और उस पर अब आवेश कितना है -4, तो आप इक्वल में ले लीजिए -4। तो Fe का अपन ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे प्लस 4, CN का चार्ज -1 है, मैंने ले लिया इज इक्वल टू -4। बच्चों Fe -4 इज इक्वल टू सॉरी यहां पे CN जो है वो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो यहां पर आएगा -6, और यहां पर इक्वल में जाएगी -6 का पक्षांतर करेंगे तो Fe इज इक्वल टू हो जाएगा -4 और +6। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी +2, यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 आएगा। इसको रोमन डिजिट में आप लिख देंगे 2 के फॉर्म में। ये हो गया रूल नंबर 5। बच्चों जैसे ही आपके चार रूल कंप्लीट होंगे, एक रूल और आप अप्लाई करेंगे, आपके कंपाउंड का नाम कंप्लीट हो जाएगा। और अब वो रूल जो है वो ये है कि आपके कॉम्प्लेक्स में जबकि स्वतंत्र धातु ना तो पहले जुड़ी हो ना तो स्वतंत्र धातु पीछे जुड़ी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम स्वतंत्र धातु का नाम नहीं लिख पा रहे थे, तो हम ये देखेंगे कि आयन मंडल के ऊपर आवेश कितना है। तो आयन मंडल के ऊपर जो आवेश है वो कितना है से मतलब नहीं, आवेश कैसा है या क्या है वो देखेंगे, धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक आवेश है तो भी हम उसके पीछे आयन लिखेंगे, और धनात्मक आवेश है तो भी हम उसके पीछे आयन शब्द लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा रूल नंबर 6 हो जाएगा, तो मैं यहां पे पीछे लिख देता हूं आयन। इस तरह से ये हो जाएगा रूल नंबर 6। बच्चों इन 6 रूल्स को इस्तेमाल करने के बाद हमारे कंपाउंड का जो नाम है वो कंप्लीट हो गया, और इस तरह से हमने अपने यौगिक का जो नाम लिख लिया वो था हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। होप सो आपको ये नियम समझ में आ गए। अगला एग्जांपल भी देख लीजिए, मैं जल्दी से आपको डिस्क्राइब कर देता हूं और समझा देता हूं। बच्चों अगले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी समन्वय संख्या क्या है, 4 है। तो समन्वय संख्या 4 के लिए आप सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं टेट्रा।
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां पे बता रखा है कि चार को हम बोलते हैं टेट्रा। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया ये रूल नंबर टू से आ जाएगा। रूल नंबर थ्री, जब हम समन्वय संख्या का नाम लिख चुके हैं तो हम लिखेंगे लीगेंड का नाम। इस बार लीगेंड NH3 है। बच्चों आप याद रखेंगे कि जो NH3 है, वैसे तो इसको साधारणता एज अ यौगिक हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, लेकिन जब इसको लीगेंड के रूप में इस चैप्टर में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं तो ये एक लीगेंड के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए एक लीगेंड भी है, और इसीलिए हम इसको एज अ लीगेंड हम इसको एमीन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम यहां पे एज अ लीगेंड एमीन है। ठीक है, तो हम यहां पर टेट्रा के बाद लिख देंगे एमीन, क्योंकि NH3 का नाम एमीन है, और ये आ जाएगा रूल नंबर थ्री से। रूल नंबर फोर बेटा, लिगेंड के नाम के बाद हम CMI का नाम लिखते हैं, और हमारा CMI इस बार है PT। तो PT का वास्तविक नाम होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। लेकिन मैंने आपको बोला यहां पर जब स्वतंत्र CMI का नाम लिखना होता है तो उसके दो नियम थे, रूल 4A और 4B। तो बच्चों 4A तब इस्तेमाल होगा जब आयन मंडल के ऊपर ऋणात्मक आवेश होगा, जबकि रूल 4B तब इस्तेमाल होगा जब आयन मंडल के ऊपर धनात्मक आवेश होगा। तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में आयन मंडल के ऊपर धनात्मक आवेश है, मतलब हम रूल नंबर 4B पे पहुंच रहे हैं। तो रूल नंबर 4B कहता है कि जब स्वतंत्र धातु पीछे जुड़ रही हो कॉम्प्लेक्स के, आयन मंडल के पीछे जुड़ रही हो, राइट हैंड में जुड़ रही हो, दाई तरफ जुड़ रही हो, और या फिर आयन मंडल के ऊपर कोई धनात्मक आवेश हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम CMI का वास्तविक नाम लिखेंगे, जो कि पीरियोडिक टेबल में उसका नाम होगा वही नाम। तो बच्चों पीटी को हम कहते हैं प्लेटिनम, तो हम एसिटीज उसको प्लेटिनम बोलकर संबोधित करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लेटिनम। फाइनली बच्चों हम उसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, ठीक है, और ऑक्सीकरण अंक निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मैंने यहां पे कैलकुलेट करके दिखाया था। इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करूंगा, तो देखिए यहां पे एक प्लेटिनम है पीटी प्लस चार NH3 है, ठीक है, इक्वल में आवेश उस पर दो है तो मैंने +2 ले लिया, फिर प्लेटिनम का निकालना है प्लस 4 NH3 का जीरो होता है, ये एक उदासीन लीगेंड होता है इसीलिए, ठीक है, यहां पर ये एक उदासीन लीगेंड है याद रखेंगे बच्चे, इक्वल में +2 आएगा। तो फाइनली हम प्लेटिनम का जब ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो वो +2 होगा, तो हम केवल 2 रोमन डिजिट में लिख देंगे। फाइनली आयन मंडल के ऊपर धनात्मक आवेश है, ना तो स्वतंत्र धातु आगे थी ना तो पीछे थी, आयन मंडल के ऊपर धनात्मक आवेश है, इसीलिए हम पीछे क्या लिख देंगे, यस, हम पीछे केवल आयन शब्द जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया आज, हमने आज की क्लास में कुछ नए कंपाउंड्स को लेकर भी अपने आयुपिक नॉमेनक्लेचर जो है वो देखे और उनके रूल्स को समझे। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ अगले वीडियोस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।